आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड फॉर आइडियल गैस इज गिवन बाई NvdV इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2πN इंटू में एम बाई पाई के टी की पावर 3/2 इंटू में वी स्क्वेयर इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वेयर बाई 2kT इंटू dV। NV और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे जो फिगर 3.91 में दिया हुआ है, NV वर्सेस V। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NVdV इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया, दिस DV रीजन में क्या रिप्रेजेंट NVdV क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लाइंग इन हैविंग स्पीड V टू V प्लस dV इज गिवन इन ग्राफ इन शेडेड एरिया। और जो ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड V टू V प्लस dV। वी मैक्स ये VM या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने होंगे तो इसका क्या करेंगे NVdV का हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to infinity, किसके इक्वल आएगा N के इक्वल आएगा, N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। जो लोअर लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि जो dV स्पीड दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, dV इज ए स्केलर क्वांटिटी, या तो वो 0 होगी या उसकी वैल्यू कुछ फाइनेट वैल्यू होगी, दैट कैन नॉट बी 0। और जो वैल्यू दे रखी है इन्फिनिटी, कि पार्टिकल कोई लिमिट नहीं दे रखी, पार्टिकल की स्पीड कहीं तक भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम। अब ग्राफ इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि ये ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो रहा है। जब वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, स्पीड की वैल्यू 0 है, तो जो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो NV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर हो जाएगा। और जब तक वी की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं हो जाती तो जो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये इसकी वैल्यू स्मॉल रहेगी, इट विल नॉट डोमिनेट। जो वी स्क्वेयर है ये पार्ट डोमिनेट करेगा जब तक कि वी की वैल्यू स्मॉल है। तो NV विल वेरी अकॉर्डिंग टू वी स्क्वेयर। तो जो हमारा एक्सप्रेशन वो इस कर्व की फॉर्म में आएगा। और ये फिर मैक्सिमम वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है मोस्ट की मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वी मैक्स या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद जब वी की वैल्यू जब सिग्निफिकेंट हो जाएगी, वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ग्राफ में, तो जो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा वी स्क्वेयर बाई एक्सपोनेंशियल एम वी स्क्वेयर बाई 2kT। तो NV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल एम वी स्क्वेयर बाई 2kT। तो अब क्या है कि जो एक्सप्रेशन है N की वैल्यू है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी, पहले ग्राफ पीक पर गया फिर वो तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ V द एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट ओवर V स्क्वेयर, नाउ NV बिकम्स प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वेयर बाई kT एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू। तो ये इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के, उसके एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट एंड पार्ट इज स्मॉलर
हैव स्मॉलर एरिया देन राइट एंड पार्ट, और जो लेफ्ट एंड है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पर जो राइट एंड पार्ट का जो कर्व है वो कहीं मीट नहीं कर रहा। दिस इज बिकॉज द लोएस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, बट देर इज नो लिमिट ऑफ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो तभी ये कहीं कुछ की किसी न किसी पार्टिकल की कुछ इनडेफिनिट नॉन डिफाइंड स्पीड होगी कि कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगी कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे उनकी पता नहीं कितनी हाइएस्ट स्पीड होगी। देखो द एवरेज स्पीड, अब जो राइट एंड साइड पोर्शन है वो उसका एरिया ज़्यादा, इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर विच हैव स्पीड मोर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इट मीन्स जो एवरेज रिजल्ट है वो हमारा राइट एंड पोर्शन में लाई करेगा, ग्राफ के राइट एंड पोर्शन में। एज द एरिया अंडर द कर्व ऑन द राइट साइड ऑफ द पीक इज लार्जर देन द एरिया अंडर द लेफ्ट हैंड साइड। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो वी एम है या वी एवरेज स्पीड या फिर वी आर एम एस, उनके अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो उनके एक्सप्रेशन में वी डायरेक्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के टी बाई एम, 8 pi KT/m, एक में आएगा 3 KT/m। तो जो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंडेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। हैंस द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम रहेंगे, सिस्टम आइसोलेटेड है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो और एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो कर्व है उसका एरिया उतना ही रहेगा, तो क्या होगा, तो कर्व जो एरिया अंडर द कर्व वो क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है। अब जो पार्टिकल टी टेम्परेचर पर वी एम स्पीड को एक्वायर कर रहे थे, जब टेम्परेचर बढ़ गया 3T, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ेगी, मास तो सेम रहेगा। तो अब 3T टेम्परेचर होने के बाद उन्हीं पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वी एम की वैल्यू कुछ और होगी, ज़्यादा होगी प्रीवियस वी एम से 60 होने के बाद, पर जो कर्व फ्लैटन हो जाएगा क्योंकि नंबर एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा, एरिया कर्व का सेम रहेगा, क्या है सिर्फ स्पीड की जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। पहले टी टेम्परेचर पे वी एम की वैल्यू अलग थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को एक्वायर करे, 3T होने के बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल की, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन विद द राइज इन टेम्परेचर सिंस द एरिया अंडर द कर्व मस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट है और एरिया अंडर ऑफ द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द कर्व बिकम फ्लैटन एज द टेम्परेचर राइजेज, दिस मीन दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव स्पीड्स ग्रेटर देन द गिवन स्पीड इंक्रीजेज। अब इफेक्ट ऑफ मोलिकुलर मास, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी पी या वी एवरेज स्पीड या आर एम एस वैल्यू बींग इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एम स्क्वेयर रूट ऑफ मास, क्योंकि कॉन्स्टेंट के साथ के टी बाई एम एक्सप्रेशन में आता है, चाहे वो आर एम एस का हो, मोस्ट प्रोबेबल का हो या एवरेज वैल्यू का हो। तो इट इंडिकेट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, अकॉर्डिंगली मोलिकुलर स्पीड इज हाइड्रोजन आर ऑन द होल ग्रेटर देन इन ऑक्सीजन एज एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर स्टडी करेंगे एन वी वर्सेज वी, ऑक्सीजन का डीप कर्व आएगा और हाइड्रोजन का फ्लैटन कर्व आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पार्टिकल क्या हैं,
लाइट पार्टिकल है, तो हाइड्रोजन लाइट पार्टिकल, तो उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, चाहे आरएमएस स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो। पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी क्योंकि उनका मास ज़्यादा है।